हेलो दोस्तों, मैं संतोष वर्मा महू से एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट थ्री डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वन और पार्ट टू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपके साथ में शेडो बेस्ड क्वेश्चन, परछाई पर आधारित क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। हम पहले इसका बेसिक सीख लेते हैं, फिर आपको इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। देखिए, आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहां आपसे हर क्वेश्चन में दो बातें बताई जाएगी। जब भी आपको सुबह के समय की बात की जाए और शाम के समय की बात की जाए, तो आप लोग जानते हो कि सुबह के समय जो आपका सूर्य होता है वो कहां होता है, आपका सूर्य मतलब सन कहां होता है सुबह के समय पर, पूर्व में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो परछाई आपकी कहां होगी, आपकी परछाई होगी वेस्ट में, परछाई होगी आपकी पश्चिम दिशा में, परछाई कहां होगी पश्चिम दिशा में। शाम के समय में सूर्य आपका कहां होता है, पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में, तो परछाई कहां बनेगी, पूर्व दिशा में। ये दो बातें आप बस याद रखिएगा, और ये दो बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बातें हम अंडरस्टेबल है, ये बातें हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि सन आपका सुबह के टाइम में पूर्व में होता है तो उसकी जो परछाई बनेगी वो आपकी बनेगी पश्चिम में, और सन शाम को पश्चिम में होता है तो परछाई का बनेगी आपकी पूर्व दिशा में। ठीक है, हम इसके साथ इसके आपके और बेसिक क्वेश्चंस करते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्या दिया हुआ है, एक सुबह उदय और विशाल एक दूसरे के आमने सामने बातें कर रहे हैं। ओके, पहली लाइन आपको क्या दी हुई है, सुबह। तो आप यहां पर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सुबह के समय में आपका जो सूर्य होगा वो कहां होगा, अभी मैंने आपको बताया सुबह के समय में जो सन होगा वो कहां पर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, तो हम यहां पर सन बना लेते हैं। अब आपसे कहा गया है कि सुबह के समय में उदय और विशाल एक दूसरे के आमने सामने। एक बात और, जब सन आपका ईस्ट डायरेक्शन में तो परछाई कहां पर बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन में। सन आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, परछाई कहां होगी, वेस्ट डायरेक्शन में, सुबह के समय की बात। उदय और विशाल एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। यदि विशाल की छाया उदय के बाई ओर थी, अब देखिए छाया कहां पे बनना चाहिए, परछाई शेडो कहां पर होना चाहिए, आपके वेस्ट में। यदि विशाल की छाया उदय के बाई ओर, अब उदय के बाई ओर बाएं किधर होना चाहिए, उदय का इस तरफ होना चाहिए। आप मुझे बताइए किसी व्यक्ति का बाएं किधर होगा, अभी हमने पार्ट वन और पार्ट टू डिस्कस किया तो हमने आपको बताया था उसमें बाएं इधर कब होगा, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर फेस करेगा, कहां फेस करेगा, ऊपर की ओर फेस करेगा, ऊपर की ओर फेस करेगा तो उसका बाया इधर, दाया इधर। मतलब आपको क्या बताया, विशाल की छाया उदय के बाई ओर, मतलब आपका उदय कहां पर होगा, ये उदय होगा क्योंकि इसके बाई ओर परछाई किधर आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, तो उदय के बाई ओर परछाई आना चाहिए। तो आपसे क्या कहा कि विशाल की छाया जो है उदय के बाई ओर बनेगी, मतलब उदय ऊपर की ओर, तो विशाल और उदय क्या कहा था यहाँ पर, आमने सामने है, तो उदय ऊपर की ओर देखेगा तो विशाल कहां देखेगा दोस्तों, नीचे की ओर देखेगा। तो अब इस हिसाब से आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब आप बोल सकते हो कि विशाल की जो छाया है वो उदय के बाई ओर बनेगी, तब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उदय किस दिशा में देख रहा है, उदय किस दिशा में देखेगा, ऊपर की ओर, ऊपर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर दिशा में, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया हुआ है, सुबह में, ये भी इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, सुबह में। तो फिर से आप वही चीज ड्रॉ कर लीजिए जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई, जब भी सुबह की बात होगी तो सुबह की बात होगी तो सन कहां पर होगा आपका, ईस्ट डायरेक्शन में, सन ईस्ट डायरेक्शन में होगा, आपकी परछाई शेडो कहां पर होगा, आपका वेस्ट डायरेक्शन में। अब देखिए क्या कहा, सुबह में गोल गुम्बज की छाया 12 कमन पर पड़ती है, गोल गुम्बज, सुबह में गोल गुम्बज की छाया। अब गोल गुम्बज कहां होगा आपका, यहां मान लीजिए गोल गुम्बज है, उसकी छाया किस पर पड़ रही है, 12 कमन पे, छाया कहां पर पड़ेगी, परछाई वेस्ट डायरेक्शन में, इसलिए हमने 12 कमन को वेस्ट में बनाया, ये आपका 12 कमन और ये आपका गोल गुम्बज, गोल गुम्बज। तो हमने क्या करा, जो 12 कमन है उसको कहां पर बनाया, वेस्ट में, क्योंकि क्या कहा उन्होंने, गोल गुम्बज की परछाई जो है 12 कमन पर पड़ती है, कब पड़ती है, सुबह के समय, तो सुबह के समय परछाई वेस्ट में होगी। शाम में 12 कमान की छाया, 12 कमान की छाया ठीक गोल गुम्बज पे पड़ती, मतलब गोल गुम्बज आपका यहीं पर ही होगा इस तरफ, और 12 कमान की छाया, तो शाम के समय पे सूर्य यहां पर हो जाएगा,
तो आपकी परछाई किधर होगी? इस तरफ होगी। तो ये 12 कमान की जो छाया है वो गोल गुम्बज पर पड़ती है शाम को, और सुबह में गोल गुम्बज की छाया 12 कमान पर पड़ती है। आपसे क्या पूछा? तो गोल गुम्बज 12 कमान के किस दिशा में होगा, मतलब गोल गुम्बज जो है यदि आप 12 कमान से देखोगे तो गोल गुम्बज किस दिशा में दिखाई देगा? गोल गुम्बज 12 कमान से किस दिशा में? 12 कमान का फेस किस दिशा में? इधर की ओर है। और पूछा है कि 12 कमान से गोल गुम्बज किस दिशा में होगा, तो 12 कमान से गोल गुम्बज किधर होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। इधर की तरफ की दिशा को आप क्या बोलोगे? ईस्ट डायरेक्शन, या आपकी पूर्व दिशा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक दोपहर मनीषा और माधुरी एमजी रोड भोपाल में आमने सामने एक दूसरे से बात कर रही थी। अब भोपाल की बात आ गई है, कौन है? मनीषा और माधुरी। कब? दोपहर में, या ना तो शाम है ना तो सुबह है। अब देखिए, दोपहर की जब भी बात की जाएगी तो आपको दो बातें की जाएगी। एक तो आपको ये बोला जाएगा कि आपका जो सन है वो ठीक आपके ऊपर है। सन क्या है? ठीक आपके ऊपर। यदि सन ठीक आपके ऊपर होगा तब कंडीशन आपकी अलग होगी। पर यहां पर ऐसा क्या, ऐसा कहा क्या कि सन ऊपर है? नहीं, ये कहा दोपहर में। तो दोपहर में जो होता है वो सन आपका लगभग आप उसको पश्चिम में ही मानोगे। कहाँ मानोगे? उसको पश्चिम में ही मानोगे, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि दोपहर के समय तो सन आपके ऊपर भी होता है, पर ऊपर की कंडीशन आपको अलग से दी जाएगी। यहां पर आप ये निश्चित नहीं बोल सकते हो कि जो सन है वो आपका आपके ऊपर ही है। ठीक है, तो दोपहर के समय पर कहां पर होगा सन? आपका वेस्ट डायरेक्शन में आप बोलोगे। तो यदि सन वेस्ट डायरेक्शन में है तो आपकी परछाई किधर होगी? परछाई कहां होगी? ईस्ट डायरेक्शन में। परछाई कहां होगी आपकी? ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखिए क्या कहा उन्होंने, दोपहर में मनीषा और माधुरी एमजी रोड भोपाल में आमने सामने एक दूसरे से बात कर रही थी। ठीक है, यदि मनीषा की परछाई ठीक माधुरी के बाईं ओर। अब देखिए परछाई कहां पे मन रही है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन में परछाई मन रही, मतलब माधुरी का जो बाया है वो इधर आना चाहिए। माधुरी का बाया इधर कब आएगा? जब माधुरी कहां पर फेस करेगी? नीचे की ओर। मतलब माधुरी आपकी नीचे की ओर फेस करेगी, तो उसका बाया इस तरफ और दाया इस तरफ। तो उन्होंने क्या कहा है, मनीषा की परछाई, मनीषा की परछाई माधुरी के, ये आपकी माधुरी है, तो माधुरी के ठीक बाई ओर। तो मनीषा को कहाँ देखना पड़ेगा? मनीषा कहाँ देखेगी? क्योंकि मनीषा क्या है, उसके आमने सामने ही है। मनीषा उसके सामने है, तो मनीषा किधर देखेगी? उत्तर दिशा में। तभी तो मनीषा का जो परछाई है वो इधर लेफ्ट की तरफ बनेगा। यदि सूर्य आपका इस तरफ है, सूर्य आपका इस तरफ है वेस्ट में है, तो मनीषा की परछाई कहाँ बनेगी? माधुरी के लेफ्ट में। तो उन्होंने आपसे पूछा है तो मनीषा का मुख किस तरफ है? आप देख लीजिए, मनीषा का मुख किधर, किस तरफ है? मनीषा का मुख है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि एक और अच्छा क्वेश्चन है आपका, परछाई से रिलेटेड, शेडो से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, खिले हुए धूप वाले दिन। अब ये लाइन थोड़ी सी अलग लिखी, खिले हुए धूप वाले दिन 4 बजे शाम के बाद। 4 बजे शाम के बाद, मतलब बात आपकी इवनिंग की ही करिए। 4 बजे शाम के बाद रमेश ने विद्यालय से वापसी आते हुए अपने चाचा को विपरीत दिशा से आते हुए देखा। विपरीत दिशा से आते हुए देखा, मतलब रमेश सामने की, रमेश जा रहा था और रमेश ने अपने चाचा को अपनी विपरीत दिशा, मतलब उसके सामने की दिशा से आते हुए देखा। मतलब यहां पर भी कंडीशन आपकी आमने सामने की हो गई है। यदि मैं इस लाइन को आसानी से बोलूं, आसान भाषा में बोलूं, तो क्या बोलूंगा कि जो रमेश है शाम के समय में जा रहा है और उसके सामने से उसके चाचा चाचा आ रहे हैं। आगे की बात पढ़ते हैं। अब शाम की बात हो गई, तो शाम के समय की बात पे हम क्या करेंगे? शाम के समय की बात हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि जो सन होगा वो कहाँ पर होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। सन आपका कहाँ होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। शेडो आपका, परछाई कहाँ पर बनेगी? परछाई आपकी बनेगी ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या कहा? अब उसके बाद आगे यहां से पढ़ते हैं। उसके चाचा ने उससे कुछ देर वार्ता करी, कुछ देर उन्होंने बातचीत करी, कुछ देर कन्वर्सेशन करी। फिर क्या हुआ, रमेश ने चाचा की परछाई को अपने दाई तरफ देखा। रमेश ने क्या करा, अपने चाचा की परछाई को अपने दाई तरफ, अपने मतलब रमेश के खुद के, अपने मतलब रमेश के खुद के, तो रमेश के चाचा की परछाई रमेश के दाई ओर, खुद के दाई ओर, दाई ओर परछाई, परछाई अभी यहां बन रही। तो दाई ओर परछाई कब बनेगी? जब रमेश कहां फेस करेगा? रमेश ऊपर की ओर फेस करेगा। रमेश ऊपर की ओर फेस करेगा तभी तो रमेश के चाचा की परछाई कहां बनेगी? रमेश के दाई ओर। ऊपर की ओर फेस करेगा तभी रमेश का दाया इधर होगा, रमेश का बाया इधर होगा। अब क्या कहा उन्होंने उनकी वार्ता के दौरान चाचा का मुख। अब देखिए रमेश और रमेश चाचा जो है वो रमेश के ठीक सामने, उनके अपोजिट है, विपरीत है। तो चाचा कहाँ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। इधर आ जाएंगे मतलब कहाँ फेस करेंगे चाचा? नीचे की ओर फेस करेंगे रमेश के चाचा। आर सी लिख रहा हूं मैं रमेश के चाचा को। तो आपसे बोला है कि उनकी वार्ता के दौरान उसके चाचा का मुख किस दिशा में था, तो चाचा का मुख किस दिशा में था?
ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, नीचे की ओर, दक्षिण, साउथ, ये ऊपर की ओर, नॉर्थ। तो रमेश के चाचा का मुख किधर आ जाएगा दोस्तों, साउथ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोस्तों आपके कुछ शेडो पर आधारित क्वेश्चन थे। अब आज ये हमारा डायरेक्शन टेस्ट का लास्ट पार्ट है। हमने इसमें आपके लिए एक मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ज्यादातर ये क्वेश्चन आपके एसएससी और बैंकिंग में पूछा जाता है, ये मैंने बैंकिंग से क्वेश्चन लिया है। आजकल ये क्वेश्चन व्यापम में भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हम भी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, देव, कुमार, नीलेश, अंकुर और पिंटू एक खेल के मैदान में उत्तर की ओर मुख करके नीचे दिए गई जानकारी के अनुसार खड़े हैं, ठीक है। मतलब कुछ पांच लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, ये उत्तर की ओर मुख करके खड़े, उत्तर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। अब क्या दी हुई जानकारी, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक। देखिए अंकुर के दाएं और कुमार 40 मीटर है, अंकुर ये रहा आपका, अंकुर के दाई ओर मतलब यहाँ दाई ओर अंकुर का, यदि अंकुर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो अंकुर का दाया ही होगा, अंकुर का बाया ही होगा। दाई ओर 40 मीटर, दाई ओर 40 मीटर बना दिया मैंने, अंकुर के दाई ओर 40 मीटर है, कौन है, कुमार है, तो कुमार को यहां बना दिया मैंने। अब आपसे क्या कहा, कुमार के दक्षिण में देव 60 मीटर है, ये आपका कुमार, कुमार का दक्षिण किधर होगा, नीचे की ओर, क्योंकि कुमार का फेस किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में, कुमार का फेस किधर है, ऊपर की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन में। क्या कहा, कुमार के दक्षिण में देव 60 मीटर है, ये देव यहां पर कहां है, देव कितना है, 60 मीटर है। अंकुर के पश्चिम में नीलेश 25 मीटर है, अंकुर के पश्चिम, अंकुर का पश्चिम, अब देखिए अंकुर यहां पर है, अंकुर का पश्चिम किधर होगा, नॉर्थ ऊपर है तो पश्चिम किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो क्या कहा, अंकुर के पश्चिम में नीलेश 25 मीटर, 25 मीटर आप यहां तक ले लीजिए, 25 मीटर कहां तक ले लीजिए, यहां तक ले लीजिए। तो अंकुर के पश्चिम में जो है नीलेश, वो कहा कितना है आपका, अंकुर के पश्चिम में नीलेश कितना है, 25 मीटर की दूरी पर है। पिंटू देव के उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है, पिंटू जो है देव के उत्तर में, देव का उत्तर किधर होगा दोस्तों, ऊपर की ओर, 90 मीटर है, 60 मीटर यहां तक हो गया, 30 मीटर और चल जाएगी ऊपर तो 90 मीटर हो जाएगा। तो यहां पर कौन है, देव के उत्तर में 90 मीटर, पिंटू है, यहां आपका पिंटू है। अब देखिए आगे क्या पूछा आपसे, कुमार के बाईं ओर स्थित, ये आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब आपसे पूछा है कुमार के बाईं ओर स्थित, ये दोस्तों यहां पर ठीक बाईं ओर आएगा, ये आएगा कुमार के ठीक बाई ओर, मतलब उसके जस्ट बाई ओर, उसके लेफ्ट साइड कौन व्यक्ति है, कुमार के ठीक बाई ओर स्थित व्यक्ति के उत्तर पूर्व में कौन है, तो कुमार के ठीक बाई ओर कौन है, अंकुर, अंकुर के उत्तर पूर्व, अंकुर की यदि डायरेक्शन हम देखें तो नॉर्थ ही है अंकुर की, ऊपर की ओर, और पूर्व मतलब ईस्ट मतलब इधर की, इधर साइड। आपसे पूछा है अंकुर के उत्तर पूर्व में, कुमार के बाई ओर स्थित व्यक्ति, कुमार के बाई ओर स्थित व्यक्ति अंकुर है, अंकुर के उत्तर पूर्व में कौन व्यक्ति बैठा है, पिंटू। तो आपसे क्या पूछा था, अंकुर के व्यक्ति के उत्तर पूर्व में, अंकुर के उत्तर पूर्व में कौन है, पिंटू। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और है, ये आपका ए क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन है इसका, वो क्या दिया हुआ है देखिए। हाँ जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट बी की, उसमें क्या दिया हुआ है, अगर नीलेश से शुरू होने वाला एक लड़का, ये रहा आपका नीलेश, यहां से शुरू होने वाला एक लड़का अंकुर और फिर कुमार से मिला, किससे मिला, पहले अंकुर से मिला, फिर किससे मिला, यहाँ पर आपका कुमार है, फिर कुमार से मिला, और इसके बाद वह देव, मतलब फिर से देव की तरफ भी गया, इसके बाद वह देव, देखिए वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, ये आपसे पूछा जाएगा बाद में, तो आप समझते जाइए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसके बाद वह देव और फिर पिंटू से, देव से मिला मतलब नीचे की ओर आया, अब पिंटू से मिलेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, पिंटू से मिलेगा यहां से नीचे से, देव से फिर वो जाएगा पिंटू के पास में, ठीक है। अब यहां पहुंच गया वो, फिर आपसे क्या पूछा है, फिर पिंटू और पूरे समय वह सीधी रेखा में चला, सीधी रेखा में चला है हमने, सीधी रेखा में चला, तो आपसे पूछा है उसने कुल कितनी दूरी तय की, ये आपको निकालना है। देखिए यहां से नीले से स्टार्ट किया, 25 प्लस 40 प्लस, यहां गया देव के पास में 60, फिर पूरा गया वो यहां नीचे से ऊपर की ओर, तो कितना है, 90। टोटल दूरी निकालना है, निकाल लीजिए टोटल दूरी, 25 60 और 40 कितना हो गया, 100 100 और 190, 190 और 25 कितना आ जाएगा आपको, 215, ये कितना हो जाएगा, 215 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 215 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 215 मीटर।
ये क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम से लिया हुआ क्वेश्चन था, ये आपके एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर व्यापम के लिए। आजकल व्यापम अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन टेस्ट का टॉपिक आज खत्म हुआ। अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।